एवरीवन, वेलकम टू माय मिसून। तीज का त्यौहार है, लाल हरी चूड़ियों की बहार है, घर में बहु बेटियों की किलकार है, इन्हीं से तो हमारा घर गुलजार है। तो इन्हीं त्यौहारों के बीच में मुंह मीठा करना तो बनता ही है। मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ मावा सूजी मालपुआ की रेसिपी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मावा सूजी मालपुआ बनाने के लिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है, उसमें मैं एक कटोरी मावा डाला है और उसमें थोड़ा सा गुनगुना दूध मिलाऊंगी, उसका एक बैटर तैयार कर लूंगी मैं। मेरा बैटर रेडी है। अब इसमें मैं जितना मैंने मावा लिया था उतनी ही मैं सूजी डालकर इसे भी ग्राइंड कर लूंगी अच्छे से। मुझे इसका बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और दूध इसमें मिलाकर दोबारा से फिर से एक बार ग्राइंड कर लूँगी। अब मेरा स्मूथ बैटर रेडी हो चुका है, इसे मैं बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। थोड़ा सा दूध बच गया है, मैं इसे बाद में इस्तेमाल करूँगी। अब हम शुगर सिरप तैयार करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कटोरी शुगर ली है और 1 कटोरी मैंने पानी लिया है। इससे हम एक तार की चाशनी बनाएंगे और थोड़ी सी मैंने इलायची भी इसमें डाली है फ्लेवर के लिए। सूजी थोड़ी सी फूल गई है, इसमें हम थोड़ा सा दूध और मिलाकर मिक्स कर लेंगे। बस इसी तरह का बैटर हमें चाहिए मालपुआ बनाने के लिए। मैंने एक कढ़ाई में घी लिया है, मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप डालडे का भी कर सकते हैं। अब मैं एक कलछी जो है वो बैटर लेकर घी में ट्रांसफर करूंगी। अब आपने मालपुआ को कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसको पलट देंगे। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हमारा मालपुआ फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे घी में से निकाल कर शुगर सिरप में ट्रांसफर कर दूंगी। इसी तरह से आपने सारे मालपुआ जो है वो फ्राई कर लेने हैं और उसे शुगर सिरप में ट्रांसफर कर लेना है। हमारे मालपुआ सर्व करने के लिए रेडी हैं, इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।